प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में दो ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है 5 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, मतलब 2-3 साल के बच्चों से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए, और दूसरा ग्रुप है 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए। नियम इस तरह है जो हमने पहले ही सबको डिक्लेयर कर दिए थे। सबसे पहला है स्वयं का परिचय देना, जो यहाँ मैं नहीं दूंगी वो आप ही को आके देना है, नहीं तो आपका नाम किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरा, अपने किरदार को अभिव्यक्त करना, अपने किरदार को अभिव्यक्त करना है कि आप क्या बनकर आए हैं, अपने किरदार के बारे में बताना। और तीसरा कि आप इस किरदार के द्वारा समाज को क्या संदेश देना चाहते हो। ये 3 नियम हमारे हैं इस फैंसी ड्रेस के, जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो सभी बच्चे तैयार हैं? चलो, बच्चों के लिए एक बात बोलना चाहूंगी। वैसे तो यहाँ सब बहुत अच्छे से बैठे हैं, किसी ने मुझे कोई डर भी नहीं देखी कि जब दिल उभरते हुए। चलिए हम शुरू करते हैं। जूनियर ग्रुप में अभी तक मेरे पास नाम बहुत सारे आए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 15 बच्चे ही अपना नंबर लेके गए हैं। अगर पहला नंबर होते ही दूसरा नंबर वाला बच्चा यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो पहला नंबर वाला बच्चा आ जाएगा। जूनियर ग्रुप मतलब J1 जिसके पास भी हो वो आ जाए। जय वसंत कीश्वरा, मेरे होठों पे सदा दे।
में मेरा पुरुष वर्ग से निवेदन है सभी भाइयों से कि पीछे हॉल में बहुत सारी जगह खाली निकल जाए और अच्छे से बैठ कर धरती सुनहरी अंबर नीला
मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा।
अच्छा अपने हमारे निर्णायक दल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर उनकी अनुमति हो तो हम हमारे जो पहला ग्रुप था उसको एक और चांस दे सकते हैं। कृपया माइक पर आपको जैसा लगता है, और बाकी पहले राउंड में आप लोगों का जो पता तैयार रहे हैं।
तालियां। सेकंड पोजीशन पे जो ग्रुप है, आपको क्या लगता है कौन है? चिंतामणि ग्रुप। चिंतामणि ग्रुप, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चिंतामणि। मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने प्रथम पुरस्कार देने के लिए निवेदन करूंगा आज के हमारे अतिथिगण से आदरणीय पूनम चंदी पाटनी जी और आदरणीय अब हमारा फर्स्ट ग्रुप आ जाए।
सिलेक्शन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। मास सिलेक्शन पर्व के उपलक्ष्य में मास पूज्य नारायण में पूर्ण भक्तिभाव के साथ सामूहिक पूजा की जा रही है और यहाँ पर प्रतिदिन मुनि श्री का सानिध्य भी मिलता है। सभी लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ समय और छाया को होने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग लें। जय श्री श्री दशलक्षण महापर्व पर श्री बांस पूजनालय पर सुबह पूजन भक्ति फिर और शांति धारा, और शांति धारा में डेली हमें मुनिराज का सानिध्य मिल रहा है और शाम को भक्तिमय आरती आरती और यहाँ पर शिवरात्रि जो महाव्रती हैं बहनें हैं उनका 10 दिन में शिविर लग रहा है और वो बहुत ही भक्तिभाव से सभी लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों से कहना है कि सभी लोग यहाँ पर जरूर आएं और दशलक्षण पर्व मनाएं। जय जय श्री सभी को। अभी दशलक्षण पर्व चल रहे हैं लोगों के, आज उत्तम स्वस्थ धर्म है तो यहाँ पर सुबह से भक्ति वहाँ पूजन 5 बजे 6 बजे से शुरू हो जाता है। उन्हें श्री का सानिध्य मिलता है हमें शांति धारा में, लेकिन 5 मिनट का उद्घोषण भी होता है और ये मौका हमें 2 साल बाद मिला है कोरोना के बाद। 2 साल से हम लोग इससे वंचित हो रहे थे, घरों में ही पूजन कर रहे थे, इसलिए अब हम अधिक से अधिक संख्या में आकर धर्म लाभ लें। जय जिनेन्द्र धर्म की जय हो। इसी प्रकार जैसे सौ धर्म आज पर्यावरण पर्व में मनाया जा रहा है, इसी तरह हम लोग को एक पूरे साल ऐसी अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यह धर्म मनाना चाहिए। जय धर्म जय जिनेन्द्र। Yeah.
दशलक्षण धर्म में पूरे जितने भी गुना के जैन समाज के सभी मंदिरों में पूजा अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है और शाम के टाइम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सभी लोगों को जय जनेंद्र। जय जनेंद्र। जैसा कि आपको मालूम है कि दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं। इन पर्व के दौरान दिगंबर जैन समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम सुबह से पूजन अभिषेक और भक्ति भावना से किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में आज अत्युत्तम स्वच्छ धर्म का दिन है और इस दिन सभी लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं, अपने अपनी शक्ति अनुसार तप त्याग करते हैं और इसी के चलते लोग लगातार मंदिरों में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भक्ति भावना से अपनी रुचि दिखा रहे हैं। जय 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 जनेंद्र भाइयों, आज का धर्म पूज्य धर्म है और आज के दिन भगवान के प्रति सहनशीलता, धर्म के प्रति लगाव, क्षमा, क्रोध को रखना चाहिए। पूजन अर्चना अभिषेक स्वाध्याय जप तप ये सारी चीज़ें दर्शन पयूषण पर में सबको करना चाहिए और सबकी यही भावना रहे, सब जीव सुखी रहें, संसार में आदि व्याधि जो कष्ट बाधा है उनका सब निवारण हो, ऐसी मेरी भावना है। जय जनेंद्र। श्री बांस पूछ भगवान की जय। शांतिनाथ कुंतनाथ हरयनाथ भगवान की जय। उत्तर दशलक्षण धर्म की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। आज उत्तम शौच धर्म है और यह लोभ का त्याग कराता है। लोभ का त्याग करने पर उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है और अक्षय सागर महाराज जी ने जो अपने विराजमान हैं उन्होंने बताया था कि जब तक अपन लोभ का त्याग नहीं करेंगे ना धन को ग्रहण नहीं कर सकते, इस संसार से पार नहीं हो सकते हैं। और ये जो दस धर्म आए अपनी आत्मा में जीवन को सफल बनाने के लिए आए हैं, ये अपने मोक्ष की राह पर ले जाने के लिए आए हैं। ये भगवान इनको अपन को अकेले 10 दिन नहीं मनाना चाहिए, इनको अपन को पूरे जीवन भर जब तक अपना जीवन है इसको हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए और यही 10 धर्मों का सार है। जय जनेंद्र। संबंधी संस्थापी Gracias.
हमें जिस तरह अच्छी दवा मिल जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है, उसी तरह हमारे लिए अनादि काल के इस तृष्णा को शांत करने के लिए शौच धर्म की दवा ही शुभ काम में आ सकती है और हम संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। किसका लोभ नहीं किया हमने अनादिकाल से, लोभ तृष्णा करते करते अभी भी तृष्णा पूर्ण नहीं हुई। सरिता सागर में कितने भी मिल जाए, सरिता तुरंत सागर तुरंत होता नहीं। अग्नि में कितने भी ईंधन डालते जाए अग्नि शांत होती नहीं। उसी तरह हमारी कितनी भी तृष्णा बढ़े अंतिम समय तक तृष्णा समाप्त नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक तृष्णा न जीर्णा वै में तृष्णा, यानी व्रत कहते हैं कि तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, तृष्णा को पूर्ण करते करते मैं जीर्ण हो गया, लेकिन तृष्णा पूर्ण यानी कहीं भव हमारे चले गए। इसीलिए परमार्थ की पदार्थों की अभिलाषा रूप तृष्णा और प्राप्त करने की लिप्सा, इन दोनों रूप लोग ये सबके मानसिक मल है। ये कि हमारा क्या है आत्मा के साथ मल है, कौन कौन सा है कि हमारे आत्मा के साथ कि पर पदार्थों की जो तृष्णा है और प्राप्त करने की लिप्सा है, इसी रूप ये लोभ हमारा मानसिक मन है, यही गंदगी है। और इस गंदगी को शांत करना है तो समता संतोष रूपी जल के बिना ये क्या नहीं हो सकती, शांत नहीं हो सकती। जब तक समता हमारे पास संतोष वृत्ति नहीं आती, तब देखिए जिस तरह भोजन की तीव्र लालसा और उसमें लोभ कषाय होता है और उसी के कारण वह प्रमाण से ज़्यादा भोजन करने के कारण लोभ के कारण स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसी तरह हमारे आत्मा का लोभ के कारण क्या हो गया, स्वास्थ्य अनादिकाल से बिगड़ा है। और इसीलिए जीवन लोभ, जीवन का लोभ, निरोगता का लोभ, इंद्रियों का लोभ और उपभोग का लोभ, इनमें से प्रत्येक में हम भेद ही करते जाएंगे तो लगता है किसका किसका लोभ हमने नहीं किया। अंतिम सांस तक व्यक्ति लोभ करता ही रहता है। एक प्रसंग याद आता है, एक बहुत बड़े शेठ जी थे, अंतिम सांस ले रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और एकदम उनके सुपुत्र सब फार्म जितनी कंपनियां थी सब छोड़ के दुकान आदि छोड़ के आ जाते हैं। इतने में शेठ जी आंखें खोल लेते हैं, खोलते ही पूछते हैं कौन है इधर, तो कहते बड़े लड़का कहाँ है वो, तो कहते पिताजी मैं आपका पैर दबा रहा हूँ यहीं पर हूँ। पूछते हैं दो नंबर का कहाँ है, वो कहता है मैं सिर दबा रहा हूँ। कहते तीसरा कहाँ है, और तीसरा विनेश कहता है पिताजी मैं दवा बना रहा हूँ। तो पूछते हैं चौथा कहाँ है, वो कहते हैं आपको मैं हवा पंखा लेकर हवा कर रहा हूँ। तो इतना क्रोध, अरे सब यही है, दुकान में कौन है, अब सब यही आ गए, चिंता ही नहीं की मुझे।
क्या कहते हैं, और उसमें भी पूछते हैं मैंने ऑर्डर दिया था नारियल का, वो ट्रक आया क्या? इनकी ट्रक जा रही है, अंतिम सांस ले रहे हैं, अभी भी चिंता, मैंने ऑर्डर दिया था वो कर्नाटक से नारियल आ गया क्या? दुकान की चिंता है, और लेकिन अपनी दुकान बंद हो रही है इसकी चिंता है। इसको कहते लोभ। लोभ एक ऐसा है कि किसका किसका लोभ करते जा रहे हैं, किसको निर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। इसीलिए मन की शुचिता के बिना, मन जिनोपदेश सुनने का जैसे पात्र नहीं होता, उसी तरह आचार्य कहते हैं कीचड़ में वह रहने वाला कमल, कीचड़ में रहने वाला कमल विकसित होता है। क्या कीचड़ में जाने के लिए, ऊपर आने के लिए? वह कीचड़ में रहने वाला पंकज, पंकज कीचड़ होता है, जो कीचड़ में होता है उसको पंकज बोलते हैं। तो कीचड़ में जन्मने वाला वह कमल लक्ष्य सूर्य की ओर होता है, विकास की ओर होता है। उसी तरह हमारा भी जैन कुल में जन्म लेने के बाद पुनः पापों में लौटने के लिए नहीं, आत्मा के विकास के लिए हो जाता है, तब हमारा कल्याण हो सकता है। और इसीलिए हमें शौच धर्म के मर्म को जाने बिना कर्म का नाश नहीं हो सकता, और संसारी प्राणी को मन साफ करने के लिए पसीना आता है। क्या साफ करने के? मन को पवित्र बनाने के लिए, मन को शुद्ध बनाने के लिए पसीना आ जाता है। लेकिन स्नान करने के बाद जिस तरह वह व्यक्ति, लेकिन तन को साफ करने के लिए आनंद मानता है, मन को साफ करने के लिए पसीना आता है, और तन को साफ करने में आनंद मानता है। लेकिन स्नान करने के बाद जैसे भूख लग जाती है, लोग स्नान के बिना भूख खुलती नहीं, तो वैसे ही मन को पवित्र करने के बाद भी आत्मानुभूति हो सकती है। इसलिए आचार्य पुण्य को देव कहते हैं कि शुद्ध पंचदान भूता सर्वस्व काम भोग बंद कहा एयत सुमुख नवृद सुमुस्व। आचार्य पुण्य को देव कहते हैं अनादि काल का इतिहास क्या किया हमने, सुना है, परिचित है, अनुभूत है। तीन बातें, काम भोग बंद की कहानियां, कितनी कहानियां, काम भोग और बंद की कहानियां, ये अनुभूत है, परिचित है। तो आचार्य कहते हैं एक हमने प्राप्त नहीं किया, एकत्व को मैंने प्राप्त नहीं किया। जब तक एकत्व प्राप्त नहीं होता, मैं टंकों की आत्मा हूँ, मैं आज मेरी आत्मा पर पदार्थ से मेरा कुछ भी संबंध नहीं, समय सार की बात चल रही है। एकत्व तब आता है जब काम भोग बंध की कहानियाँ समाप्त होती है। सिर्फ एकत्व भावना भाने से काम नहीं होता, प्रैक्टिकल होना पड़ता, क्योंकि एकत्व भावना भाने वाला ही उत्तम सोच के बिना इसको प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिसके लोभ की निवृत्ति हुई है वही एकत्व प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास लोभ है, किसका? काम भोग और बंध, काम और भोग छोड़ता नहीं किसी को, बड़े बड़े घायल हो जाते हैं इसमें, कामेंद्री और भोगेंद्री।
जय श्री महाराज जी ने पांच इंद्रियों को दो भागों में बांटा है। पांच इंद्रियां है लेकिन कामेंद्रिय कौन सी और भोगेंद्रिय कौन सी, तो आचार्य कहते स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय, ये कामेंद्रिय है और भोगेंद्रिय, ये स्पर्श रस घ्राणेन्द्रिय चक्षुरेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ये क्या हो गए भोगेंद्रिय हो गए। तो संसार का आहित होने के दो इंद्रियां हैं, एक रसनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय। देख लेना पतन किसी का संसार में हुआ है स्पर्शेन्द्रिय के पीछे हुआ है, विषय वासना के पीछे, व्यक्ति स्पर्शेन्द्रिय के पीछे स्पर्श के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहता है। और इधर तो आचार्य कहते स्पर्शातीत आत्मा है, आत्मा कैसी स्पर्श से अतीत है, लेकिन अज्ञानी स्पर्श के द्वारा क्या मानता है सुख मानता है। और रसनेन्द्रिय बस अच्छे अच्छे पदार्थ के पीछे प्रमाण से ज्यादा खा के क्या करता है, रसनेन्द्रिय के पीछे संसार ही अपना पतन करके देखता है। इसीलिए मूलाचार्य में आया है दो इंद्रिय को बहुत सावधान रखना, बड़े बड़े हाथी भी पकड़ में आ गए, बड़े बड़े ऐसे ऐसे शास्त्रों में उदाहरण बताते हैं। इसीलिए अब कामेंद्रिय और ये भोगेंद्रिय और बंध की कहानियाँ प्रकृति स्थिति आदि को लेके इसकी कहानी हमने सुना है, परिचित है, अनुभूत है, कभी कब से सुत पंचदान होगा अनंत काल से, इसी के कारण हमारी आत्मा अपवित्र बन गई, उज्ज्वलता को प्राप्त नहीं कर पाई, इसीलिए हमें शरीर का मन में धोना है, हमें आत्मा को प्रक्षाल करने के लिए यह पर्युषण परवाया है। शरीर को साफ करने के लिए नहीं, शरीर को साफ कोई भी कर सकता है, और तन के सुंदरता से कर्मों की निर्जराना होती, मन की सुंदरता से कर्मों की निर्जरा होती है। तन से सुंदरता हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं और तन को सजाते हैं, आत्मा को सजा देते हैं, क्या करते हैं तन को सौंदर्य प्रसादन के द्वारा सजाते हैं और आत्मा को सजा देते हैं, क्योंकि सुंदरता ने शरीर को कहा। आचार्य श्री पर बता रहे थे जिसको अपने रूप का गर्व है उनको इतना याद रखना, थोड़ी सी ये रहते मक्खी, मक्खी का पंख बहुत बुरा रहता है छोटा सा, उतना भी थोड़ा सा याद से निकल जाए चमड़ी तो मक्खियाँ भीड़ बहना के रहेंगी। इसीलिए कहता है चर्म पर नहीं धर्म पर लक्ष्य रखो, चर्म की सेवा नहीं करो धर्म को अपनाओ। और इसीलिए हमें अंतरिक पवित्रता प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना है, और इसके लिए एक महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण आया है। जब युद्ध पूर्ण हो गया और युद्ध में 18 अक्षनी लोग क्या करें उसमें चले गए, ऐसे युद्ध के बाद पांडवों को लगता है कि हमें अब तीर्थों की यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा से आत्मा की पवित्रता होती है, तीर्थ यात्रा के द्वारा आत्मा की जागृति होती है, और तीर्थ यात्रा के द्वारा हमें स्वरूप का ज्ञान होता है, और तीर्थ यात्रा में जहाँ जहाँ जाते हैं उन महान पुरुषों की तपोभूमि को
स्पर्श करने का और अपनी जीवन को उज्ज्वल बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए पांडव यात्रा के लिए निकल रहे हैं और द्वारिका में जाकर पहुंचते हैं और श्री कृष्ण जी को कहते हैं, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, युद्ध तो हो गया, अब यात्रा करके थोड़ा सा पापों का प्रक्षालन हमें करना है। तब श्री कृष्ण जी व्यस्त होने के कारण कहते, मैं आ नहीं सकता। तो पांडव कहते हैं, आप किसी प्रतिनिधि को देना है हमारे साथ। तो वो कहते हैं, हमें समय नहीं है। तो प्रतिनिधि के रूप में दीजिए कोई तो कोई। तो वो ये क्या देते हैं, तुम भी दे दे देते हैं बोला। और हर क्षेत्र पर जाकर स्नान करते थे और स्नान करते करते अपना स्नान होने के बाद जिस तुम्बी को लेके आए थे उसको शेर के ऊपर लेकर डुबकी वो लगाते थे। तो वो कई तीर्थों पर जाने के बाद अपना स्नान और इसको भी करवा देते थे। तो कई लोग पूछते हैं, ये क्या चल रहा है? तो कहेंगे, श्री कृष्ण जी ने दिया। तो श्री कृष्ण जी को हमने देखा नहीं, यात्री कहते थे। तो वो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता था, उनका होने के बाद उस तुम्बी को लेके डूबते थे और इनका एक एक बार स्नान होता था। लेकिन तुम्बी का हर क्षेत्र पर 108 बार क्या होता था, स्नान होता था। ऐसी यात्रा करते करते द्वारिका पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण जी को कहते हैं, हमें यात्रा करके आ गए और यात्रा बहुत आपके भावना से सद्भावना से हमारा बहुत अच्छा पूर्ण हो गया। जैसे आप लोग शिखर जी की यात्रा करके आने के बाद एक दूसरे को भेजते हैं और जो यात्रा करके आते हैं उनके लिए विशेष भोजन भी निमंत्रण भी करते हैं। तो उसी तरह श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज आपको यहीं पर भोजन करना है क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा नहीं आ पाया। लेकिन आप लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि यात्रा करके आए हैं और भोजन आज हमारे यहाँ आपको निमंत्रित किया जाता है, भोजन बनाया जाता है। भोजन बनाने के बाद पांचों पांडव भोजन को बैठे हैं। तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी को, आप ही बैठे ना। वो कहते नहीं, आप पहला कर लो, बाद में कर लूँगा। बार बार विनती करने के बाद भी श्री कृष्ण जी तैयार नहीं होते और पांचों को परोसने के बाद, क्योंकि दूर की यात्रा करके आए हैं तो पहला हल्के पदार्थ पर खीर दिया जाता है। और खीर जब मुंह में डालते हैं तो अब अंदर में नहीं डाल सकते और बाहर थूक भी नहीं सकते कृष्ण जी के सामने। और वेदना हो रही है, श्री कृष्ण जी देखते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या हुआ? अब क्या अंदर तो नहीं डाल सकते, क्योंकि जो खीर दिया था वह उसी भोपड़े के द्वारा, तुम्बी के द्वारा क्या किया था, खीर बना के उसमें उसको डाला था और इसीलिए इतना कड़वा था वो। तो बाद में वेदना होकर बाद में थूके देते हैं। श्री कृष्ण जी पूछते हैं, कुछ गलती हुई क्या? नहीं। तो इसमें सब डाला है, केसर डाला है, इलायची डाली है, मीठा अच्छा डाला है, तो आपको ऐसा थूका क्यों आपने? वो कहते, वो कड़वाट है। कड़वाट क्यों? तो उन्होंने कहा, मेरे प्रतिनिधि आपके साथ भेजा था
जो तुम भी उसी को तो हमने सोचा कि इतनी बार स्नान करके आए हैं तो बहुत मीठी बनी होगी, इसलिए हमने खेल डाला था, नहीं कहेंगे। वो बाहर से तो बहुत साफ हो गई थी लेकिन अंदर उसकी कड़वाहट नहीं गई थी, इसीलिए बहिरंग साफ करने से अंतर साफ नहीं होता। बहिरंग ईश्वर बाहर के पुद्गल का हो गया लेकिन अंतरंग, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं अंतरंग को साफ करना है तो बहुत अच्छा है, महाभारत ने बताया है आत्मा नदी स्वयं तोय पूर्णा सत्यावह शील तटा दयोभी तत्राव गाहं कुरु पांडुपुत्र न वारिना शुद्धन्ति च अंतरात्मा। महाभारत में किसकी उपमा किसको क्या दे, बहुत अच्छा विषय है। तो कहते हैं स्वयं संयम रूपी जल से परिपूर्ण यह आत्मा रूपी नदी, आत्मा रूपी नदी में कौन सा जल होना चाहिए, संयम रूपी होना चाहिए और सत्य उसका प्रवाह है। उस नदी में जो पानी है वो कैसा है, प्रवाह सत्य है और शील ही उसका तट है, उसके तट तो नदी, क्योंकि तट हो तो पानी आगे जाता है, तट नहीं है तो पानी फैल जाता है। इसीलिए महाभारत में शील को तट बताए, इसका मतलब है आपका जीवन आगे बढ़ाना है, जब तक आप ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पालेंगे तब तक आप आगे नहीं तो वहीं फैल जाएंगे। तो शील रूपी तट है और दया रूपी उसकी लहरें हैं और ऐसे इसी में स्नान करने से आत्मा की, अंतरात्मा की क्या हो सकती, विशुद्धि हो सकती है। और ये बता के हमें भी ऐसे ही इसमें स्नान करना है कि जब तक, इसीलिए आचार्य कहते समन्वपत्र आचार्य रत्नगढ़ श्रावक आचार्य में निर्विचिक्षा अंग में क्या है, स्वभाव को असचिकाए रत्नत्रय पवित्रते, शरीर क्या है स्वभाव से असुचि है लेकिन इस असुचि शरीर को भी हम क्या कर सकते, पवित्र कर सकते। कौन सा, सेंट लगाने से। तो कहते रत्नत्रय पवित्रते अनि धर्म, रत्नत्रय धर्म पवित्र है, रत्नत्रय धर्म क्या है पवित्र है, तो रत्नत्रय धर्म को जो आत्मा अपनाती है तो उनकी आत्मा भी क्या हो जाती है, पवित्र बन जाती है। और ऐसे धर्म के पवित्र को धारण करने वाला व्यक्ति का शरीर भी पवित्र बन जाता है। इसीलिए ये दशलक्षण में उत्तम शौच धर्म हमें यही बताता है। अब बाहर का मल में धोना क्या करना है कि अंतरंग का मल धोने का लक्ष्य बनाओ। बाहर का मल अंतिम सांस तक धो नहीं सकते, जैसे हमने एक दिन प्रवचन में बताया था कि कोयले को मोती साबुन से भी धोते जाए कोयला कभी सफेद सुंदर नहीं बनेगा, अंतिम समय तक कोयला धोते जाओ तो काला ही रहेगा। उसी तरह शरीर अपवित्र ही रहेगा और इसलिए पूज्यपाद महाराज कहते हैं शरीर का स्वभाव
चार बातें बताई हैं। शरीर अनित्य है, दुख का हेतु है, निसार है, और दुख की परंपरा को बनाने के लिए बीज का काम करता है। तो इसलिए अनित्य, दुख का हेतु और निसार और असुची चार शब्द। तो पुष्पल महाराज जी ने ये चार शब्द काय स्वभाव शरीर का स्वभाव बताकर कहा गया है, ये कभी भी नित्य रहने वाला नहीं, इसमें कोई भी सार नहीं, और शरीर के कारण ही आत्मा को दुख को भोगना पड़ रहा है, और आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। इसीलिए हमें शरीर सा 24 घंटे में आत्मा के लिए कितना समय दे दिया, एक दिन में 1440 मिनट है हमारे पास, सो रहे क्या? कितने मिनट है दिन में? 1440 मिनट। तो 1440 मिनट से आत्मा के लिए कितना समय देते हैं और शरीर को कितना देते हैं, हमें नहीं बताना, घर में जाकर हिसाब करना, क्योंकि इसमें तो दशरक्षण आया है, 355 दिन का हिसाब करने के लिए ये 10 दिन तो मिला है ना। तो 1440 मिनट में से 5-10 मिनट मिलना भी मुश्किल है। इसलिए शांति सागर महाराज जी ने 1955 में कहा था, 5 मिनट तर आत्म्याचं चिंतन करा, दिन में 5 मिनट तो आत्मा का चिंतन करो, क्योंकि सात जो हमारा अनादि काल का है उसका विषय छोड़ दिया और पड़ोस की चिंता कर रहे हैं, और पड़ोस की गारंटी है ही नहीं, जिसकी गारंटी है उसके बारे में। इसीलिए ये उत्तम शौच धर्म हमें यही बताता है कि हमें संतोष रूपी जल के द्वारा लोभ को धोना है। किसके द्वारा? संतोष रूपी जल के द्वारा लोभ रूपी कीचड़ का क्या करना है? धोना है। और ये अगर लक्ष्य बन जाए, क्योंकि हमारी आत्मा अनंत शक्ति वाली है, लेकिन लोभ के कारण शक्ति उसकी दब गई है, देख लेना थोड़ा सा भी परिग्रह हो तो भी आत्मा के लिए पतन का कारण है। पूर्ण लोभ निकल जाए, जैसे पांडवों का आता है, 3 पांडवों ने तो मोक्ष प्राप्त किया और 2 पांडवों ने क्या किया? दूसरे के बारे में थोड़ा सोचा, वो भी जाते थे, लेकिन थोड़ा सा लोभ हो गया, स्नेह रह गया भाई के प्रति, उसके पीछे क्या होगा? आचर्ष कहते थे, कई बार आचर्ष ने कहा, तीनों ने 5वीं एग्जाम दे रहे थे, लेकिन तीनों ने अपना अपना एग्जाम दिया और दोनों ने दूसरे के पेपर में देखा, लिख रहे क्या नहीं, अब तुम देखने को भाई तुम्हारा रह गया ना, लिखने वाला तो तीन लोग चले गए और दूसरे के बारे सोचने वाला वहीं पर रह गया। इसीलिए आज का शौच धर्म हमें आत्मा की निर्मलता को प्राप्त करने के लिए, पवित्रता को प्राप्त करने के लिए ये पर्व आया है। और हम जैसे हमने बताया था कि सौभाग्यवान हैं कि ऐसे हमें धर्म मिला है कि जिस धर्म के द्वारा हम हमारे आत्मा को शुद्ध बना सकते, और हमें आज धूमी बनने का दिन है, हमें धूमी बनना पड़ेगा। धूमने के लिए छड़ाकार कहते हैं कि ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मन वर्जित सिद्ध महंता ते है निकट अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। क्या कहा?
के ज्ञान त्रिविध कर्म माने कौन कौन से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन तीन मलों को धोने के बाद ये मल है, आत्मा के साथ जो मल है उसको हमें तो सिद्ध महंता वे सिद्ध भगवान है, क्योंकि वे निकट अमल परमात्मा। एक सकल परमात्मा होता है जो शरीर के साथ सब कर्म, कलानी शरीर, शरीर के साथ जो आत्मा होती है वो सकल परमात्मा अरिहंत भगवान, और निकल परमात्मा निकल जिसमें से कल शरीर निकल गया, ऐसे निकल परमात्मा क्या करते, भोगे शर्म अनंता, अनंत काल सब शाश्वत सुख को उन्होंने भोगा है। और यही लक्ष्य बना के हमें स्नान करना है, क्योंकि आप लोग कितने प्रकार के स्नान करते पता नहीं, और क्योंकि नीतिकारों ने बताया पांच प्रकार के स्नान होते हैं। कितने प्रकार के? पांच प्रकार के स्नान होते हैं, मंत्र स्नान, जप स्नान, तप स्नान, तथैव च, शील स्नान, जल स्नान, पंच स्नान, विकल्पते। पांच स्नान कौन कौन से? मंत्र स्नान, जप स्नान, तप स्नान, शील स्नान और जल स्नान। आप कौन सा करते? कौन सा करते? जल स्नान। तो आप किसकी शुद्धि कर रहे? शरीर। मंत्र स्नान, मंत्र ने क्या होता है? मंत्र जो मन को रक्षा करता है पापों से उसको क्या बोलते हैं? मंत्र। मंत्र का जाप करने से आत्मा की शुद्धि होती है। जप स्नान, जप जाने जन्म विच्छेद करना और पाप का नाश करना, ये है जप स्नान। और तप स्नान, कर्म क्षय तप देती, तप इच्छा निरोध, तप इच्छा का निरोध करना भी तप स्नान है। और शील स्नान, ब्रह्मचर्य व्रत, इसके द्वारा भी क्या होता है? आत्मा की शुद्धि होती है। इसीलिए कहा गया है गीता में, क्योंकि शरीर मलिन है तो ब्रह्मचर्य के द्वारा शरीर पवित्र बनता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा क्या बनता है? शरीर पवित्र बनता है, और अब्रह्म के कारण शरीर अपवित्र बनता है। तो ये शील स्नान और जल स्नान, तो पांच स्नान में तीन चार जो स्नान है ये आत्मोद्धारक है, आत्मा का उद्धार करने वाले। लेकिन जल स्नान सिर्फ जल बाहर की शुद्धि करने वाले है। तो आज का शौच धर्म को सामने रखते हुए लोग कम होता जाए तो हमें विश्वास है कि जैसे जितना लोग बढ़ाएंगे उतना आत्मा का पतन होता जाएगा। तो आत्मा का विकास करने के लिए हम उत्तम शौच का प्रारंभ करके जीवन में उज्ज्वलता प्राप्त करके शाश्वत सुख सब प्राप्त करें, इसी भावना के साथ अहिंसा पर बधाई की। पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की निश्चित। कोरोना काल निकलने के बाद गुना जैन समाज की ये अभूतपूर्व घड़ी है जो हमको चातुर्मास की उपलब्धि हुई है, और इस चातुर्मास में कुछ अनोखा करने का सभी का भाव है, और सभी लोग कर रहे हैं अपने स्तर से। महाराज श्री के सानिध्य में बहुत सारे कार्यक्रम हुए जो कि चर्म पर है। आज उत्तम शौच दिवस है। शौच का अर्थ होता है पवित्र हो जाना। हम सभी जन आत्मा से पवित्र हो जाए। हमने आज तक अपने शरीर को धोया है। शरीर को धोने से कभी आत्मा पवित्र नहीं होती है, क्योंकि लोभ पाप का पाप बढ़ाना होते हैं, और ये जो लोभ है जब तक तब तक कह
केंद्रित करें फिर समाप्त करें। हम दो हमारे दो, इससे ऊपर उठेंगे तो हमको ये संसार थोड़ा सा और जानने और देखने को मिलेगा कि कैसे हम वसुधैव कुटुंबकम पर चलकर दूसरों का भी हित करें। जो हमारे पास साधन है वे संकुचित साधन होते हुए भी हम दूसरों पर उनका उपकार कर सकते हैं उन साधनों से। तो उत्तम शौच धर्म यदि हमारे भीतर आ गया तो हम बहुत ही जल्दी निकट भव्य होकर इस आत्मा को मुक्त कर लेंगे और हम इस संसार से दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेंगे। मेरा आप सभी से बहुत बहुत ऐसा कहना है कि आप सभी लोग मंदिर आते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, बहुत अच्छे से सब काम करते हैं, तो क्यों ना आप थोड़ा सा मन से करें। यदि आप मन से करेंगे तो ये तन जो कि भले ही 9 द्वार जिसमें है मल के, लेकिन रत्न त्रय से पवित्र हो सकता है। और ये रत्न त्रय आपको कहाँ ले जाएगा, कैसी उपलब्धि कराएगा, ये तो जब आपको होगा तभी आपको पता चलेगा। इसलिए बहुत सारा आशीर्वाद भी है, बहुत सारी शुभकामना है कि आप सभी लोग इस शौच धर्म पर अपने जीवन को शुद्ध करें, शुचिता अपने जीवन में लाएं। मक्खी का पतला सा पंख जो होता है इतना ही अगर इस देह से चर्म निकल गया तो कोई देखने योग्य भी हमें और आपको समझेगा नहीं। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि ये शरीर इतना पवित्र है और इस पे चर्म लपेट ही सोए, मक्खी का पतला पंख जितना भी अगर ये स्किन त्वचा निकल गई, खाल निकल गई, किसी को दिन भर धोते रहते हैं और किसी को दिन भर हम बहुत अच्छा शुद्ध बनाते रहते हैं, जबकि समुद्र के जल से धोने पर भी ये कभी शुद्ध नहीं होती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अब आत्मा के लिए सोचें, शरीर के लिए सोचते सोचते अनादि काल हो गए और कभी भी हम अपने हित के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। इस बार हम अपना हित करेंगे, अपना मतलब आत्मा का शरीर आज है और कल दूसरा